एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी के थर्ड पेपर की, जो कि है अनुप्रयुक्त प्राणी शास्त्र व्यवहारिकी एवं जैन सांख्यिकी, यानी कि अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी और बायोस्टैट्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर थर्ड का सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है वो है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में क्या क्या है आपका, अनुप्रयुक्त प्राणी शास्त्र यानी कि अप्लाइड जूलॉजी, कि हम जूलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है जंतु पालन, इसमें हम देखेंगे वर्मी कल्चर। ठीक है, कैसे वर्मी कल्चर होता है यानी केंचुओं का संवर्धन कैसे होता है, कैसे हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के पोषण मूल्य क्या है, वर्मी कंपोस्ट के गुण क्या हैं। फिर हम देखेंगे रेशम कीट पालन, ठीक है, लाख कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मधु का रासायनिक संगठन व उपयोग, झींगा या प्रॉन का पालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन। ठीक है, फिर हम उनके आर्थिक महत्व को देखेंगे। आर्थिक महत्व में दूसरा जो टॉपिक आर्थिक महत्व में, हम पहले प्रोटोजोआ, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ, हेलमेंथ, प्लेटे हेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस के आर्थिक महत्व के बारे में जानेंगे। हम क्रस्टेशिया के लार्वा का भी महत्व समझेंगे, मोलस्का का भी महत्व समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कीट एवं उनका प्रबंध, कीटों का और उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन बी की, जो है व्यवहार की। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यवहार की, उसका परिचय, इतिहास और उसका महत्व। फिर हम देखेंगे व्यवहारिकी की अवधारणाएं व अधिगम के प्रकार। ठीक है, फिर हम इसमें पढ़ते हैं प्राणी व्यवहार के अध्ययन की विधियां। फिर हम देखेंगे फीरोमोन के बारे में, फीरोमोन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं व प्राणी का व्यवहार। फिर हम इसी में बात करते हैं व्यवहारिकी में प्राणियों में सामाजिक संगठन, समाज व सामाजिक व्यवहार के बारे में। फिर हम बात करेंगे व्यवहार का तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी नियंत्रण कैसे होता है। फिर हम आते हैं सेक्शन सी पे, इसमें है जैव सांख्यिकी यानी कि बायोस्टैट्स के बारे में। तो हम बायोस्टैट्स का परिचय देखेंगे, उसके अवसर देखेंगे और उसके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे विवरणात्मक एवं निष्कर्षात्मक सांख्यिकियाँ की संकल्पना को समझाना। फिर हम देखेंगे समगमकों का आलेखन रूपांतरण यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम किसी भी डाटा का। फिर हम देखेंगे माध्य, माध्यमिक, बहुलक एवं उनकी सार्थकता के बारे में। और आखिरी है मानव विचलन, मानव त्रुटि एवं उनकी सार्थकता। ठीक है, माध्य, मादक, बहुलक एवं उनकी सार्थकता, ये सब हम अच्छे से क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जंतु पालन से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम जंतु पालन में बात करते हैं वो बात करेंगे हम वर्मी कल्चर की। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्मी कल्चर। देखिए वर्मी कल्चर क्या होता है, केंचुओं के संवर्धन को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। केंचुओं के संवर्धन, केंचुआ पालन को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं वर्मी कल्चर बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। केंचुओं के माध्यम से सड़े हुए पदार्थों को पचाकर खाद निर्माण की प्रक्रिया को हम वर्मी कल्चर बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से क्या अर्थ होता है, बायो का मतलब होता है कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट, कोई भी पादप या जीव जंतु, और टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है कोई भी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना जिसमें जीव जंतुओं का उपयोग हो ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम को, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा सके। इस प्रक्रिया द्वारा जैविक खाद तथा केचुओं का उत्पादन साथ साथ होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग।
केचुओं द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग से हम कंपोस्ट का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट होता है खाद। खाद, खाद का निर्माण। ठीक है, खाद का आप सब यूज जानते हैं। ठीक है, ठीक है। खाद कैसे बनती है? खाद पौधों के अवशेष पदार्थ, घर का कचरा, मनुष्य का मल, पशुओं का गोबर आदि का जीवाणुओं द्वारा विशेष परिस्थिति में विच्छेदन होने से खाद बनती है। जब भी पौधों के अवशेष, घर का कूड़ा कचरा, मनुष्य का मल, पशुओं का गोबर आदि का जीवाणुओं, याद रखिएगा जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है, जीवाणु द्वारा विशेष परिस्थितियों में विच्छेदन होने से खाद बनती है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे अच्छे खाद की, तो वो गंधरहित भूरे या भूरे काले रंग का भुरभुरा पदार्थ होता है। ठीक, आगे देखिए। वर्मी कंपोस्ट केचुओं की कुछ प्रजातियों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का क्षय का अंत उत्पाद है, जो पोषक पदार्थों युक्त होता है। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की जैविक खाद है, यहाँ से याद रखिएगा, ये यहाँ से देखिए। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की जैविक खाद है, जो बेकार कार्बनिक पदार्थ जैसे कि घरों, कारखानों तथा खेतों का कूड़ा करकट और कचरा इत्यादि से एपिजेक तथा एनेसिक पाए जाने वाले केचुओं द्वारा बनाई जाती। एपिजेक, एपी है तो ऊपर है यानी सतह पर पाए जाने वाले केची, एनेसिक है सतह के अंदर पाए जाने वाले केचु। अभी इनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, केचुओं के अलावा एक स्वस्थ वर्मी कंपोस्टिंग सिस्टम में कई बैक्टीरिया, कीट एवं कवक भी विकसित होते हैं। ठीक है, ये भी प्राकृतिक खाद के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सामान्य गोबर खाद की अपेक्षा कई मायनों में बेहतर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वर्मी कंपोस्ट एवं गोबर की खाद के पोषण मूल्य। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट एवं गोबर की खाद के पोषण क्या क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एमन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और कार्बन और नाइट्रोजन का कितना रेशियो होगा। ठीक है, ये वर्मी कंपोस्ट के लिए है, ये गोबर की खाद के लिए है। आगे आ जाइए, हम बात करते हैं केचुओं की श्रेणियों के बारे में। ठीक है, कितनी तरह के केचुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो केचुए जमीन की धरातल में विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। उनके भोजन पदार्थों एवं उनके द्वारा निकाले गए मल के आधार पर तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है एपिजेइक, दूसरा है एंडोजेइक और तीसरा जो हमने ऊपर बात करी थी वो है एनेसिक। ठीक है, एनेसिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिजेइक की। एपिजेइक, एपी का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, एपिजेइक, एपी से आप समझ जाएंगे ऊपर। ठीक है, और एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, एपिजेइक। इस प्रजाति के केचुए अधिकतर जमीन के ऊपर कचरे के ढेर में पाए जाते हैं। जो एपिजेइक केचुए होते हैं, ये केचुए जमीन के ऊपर कचरे के ढेर में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के केचुए सिर्फ कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और जमीन के धरातल पर रहते हैं। ये केचुए छोटे आकार एवं शरीर से समान रंग के होते हैं। ये व्यवधान सहन कर सकते हैं और उचित वातावरण मिलने पर बहुत तेजी से संख्या में बढ़ जाते हैं। इसका उदाहरण है एसिनिडिया, एसिनिया फिटेडा,
यूड्रिलस यूजेनियस पेरियोनेसिस एक्केविटिस तथा लुम्ब्रिकस लुम्बेनिस इत्यादि इस श्रेणी के केचुओं की बहुमत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। अब हम बात करते हैं एंडोजेक की, ठीक है, यानी अंदर की तरफ पाए जाने वाले। ठीक है, इस प्रजाति के केचुए जमीन के नीचे, एंडोजेक में देखिए, इस प्रजाति के केचुए जमीन के नीचे मिट्टी में छोटी छोटी खड़ी एवं शैतिक सुरंगें बनाकर रहते हैं। इस प्रजाति के केचुए कार्बनिक पदार्थ की जगह मिट्टी खाते हैं। ठीक है, एपिजोइक कार्बनिक पदार्थ खाते थे, ये मिट्टी खाते हैं, याद रखिएगा। ये केचुए ऋतु के आधार पर क्रियाशील होते हैं। ठीक है, भोजन पदार्थ को खाने के पश्चात बहुत समय तक ये अपने शरीर में बनाए रखते हैं और उचित परिस्थिति आने पर जमीन से बाहर निकालकर कास्टिंग गिराते हैं। इसलिए इस प्रजाति के केचुओं का उपयोग कृत्रिम तरीके से वर्मी कल्चर करने में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन खेतों का उचित वातावरण तथा इनकी संख्या बढ़ा देने से कि जमीन को क्या करते हैं, पोली कर देते हैं और विभिन्न प्रकार से लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी कर देते हैं। आमतौर पर वर्षा ऋतु में दिखाई देने वाले केचुए इसी श्रेणी के होते हैं। आगे देखिए एनेसिक। ठीक है, एनेसिक प्रकार के केचुए क्या करते हैं, ये जमीन के नीचे लंबी सुरंगें बनाकर रहते हैं। ये केचुए जमीन के ऊपर आकर सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और जमीन के धरातल पर ही अपना मल गिराते हैं। इनके शरीर से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ सुरंग की दीवारों को स्थापित देता है। जमीन को पोली करने के साथ साथ ये खाद का भी निर्माण करते हैं, लेकिन इस प्रजाति के केचुए किसी भी प्रकार के व्यवधान को सहन नहीं करते, इसीलिए केवल रात को ही जमीन से बाहर आते हैं। ठीक है, इनका जीवन चक्र लंबा होता है और आकार में बड़े होने के कारण इनका उपयोग कृत्रिम वर्मी कल्चर में नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण है लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस और एपोरेक्टोडा लोंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं केचुओं की भारतीय जातियों के बारे में। भारतीय जातियां, कृत्रिम वर्मी कल्चर के लिए अधिकतर एंडेमिक प्रजातियां उचित पाई गई हैं। भारत में कुल 6 उपप्रजातियां इस श्रेणी में पाई गई हैं। पहली है लुम्ब्रिसाइड परिवार, इसका उदाहरण सारे देख लीजिएगा। दूसरी है यूरिडी फैमिली, यूड्रिलिडी फैमिली। तीसरी है मेगा स्कोलेडी फैमिली। फिर देखिए ऑक्टिचिडेडी फैमिली, ऑक्नोडिरेली फैमिली, मिनी लिट्रेसी फैमिली। आगे देखिए, संपूर्ण संसार में एसिनिया फटीडा का सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है। यूड्रिलस यूजेनिक का प्रयोग बैंगलोर कृषि विद्यालय में सफलतापूर्वक कई वर्षों से हो रहा है। पेरिओनिकस एस्केविटिस की सभी महाद्वीपों में पाया जाता है और इसका छोटा जीवन चक्र तथा बिना संसर्ग के अंडों की उत्पत्ति करने के कारण भी इसे कृत्रिम वर्मी कल्चर के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। ये एक मार्क्स के हिसाब से याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं एसिनिया फिटीडिया की संरचना। ठीक है, एसिनिया फिटीडिया लगभग संपूर्ण विश्व में समान रूप से पाई जाने वाली प्रजाति है। एसिनिया फिटीडिया अधिकतर अधिक वर्षा वाले जंगल वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से भोजन पदार्थों की उचित उपलब्धता एवं नमी के कारण आसानी से रह सकते हैं। अब देखिए, ये जो केचुए होते हैं एसिनिया फिटीडिया वाले,
एक सेकेंड, ये देखिए पहले। पहला क्या है, केचुए का जीवन चक्र, परिपक्व अंडों में से केचुए का जन्म, ये केचुए का अंडा, ठीक है। उसके बाद ये केचुआ निकल रहा है। फिर देखिए एक सप्ताह तक, एक सप्ताह बाद ना बढ़ा, दो से तीन सप्ताह बाद, चार सप्ताह बाद लगातार अंडे देता है, करीब 18 से लगातार अंडे देते हुए करीब 18 से 20 सप्ताह तक की ये अवस्था है। आगे आते हैं, अब देखते हैं एसीना फिटेडिया प्राणी के केचुए कैसे होते हैं। लाल हल्का भूरापन लिए हुए तथा बहुत हल्के बैंगनी रंग के होते हैं, याद रखिएगा। एसीना फिटेडिया प्रजाति के केचुए लाल हल्का भूरापन लिए हुए तथा बहुत हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, खंडित होता है, देखिए देखिए खंड पाए जा रहे हैं। ये क्या होता है, क्लाइटेलम। ठीक है, आगे देखिए, तथा इसके हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। इनका शरीर खंडित होता है, इनका शरीर का अंतिम भाग देखिए नुकीला होता है, ठीक है, जिसके कारण ये आसानी से कचरे में बिल बना सकते हैं। एसीना फिटेडिया केचुए के शरीर पर 9 खंड की चौड़ाई का क्लाइटेलम पाया जाता है, ठीक है। टेलम पाया जाता है, ये क्लाइटेलम केचुए के शरीर के 24 से 26वें खंड से प्रारंभ होता है। जहाँ से ये शुरू होगा वो या तो 24 खंड होगा या 25 होगा या फिर 26 खंड होगा, यहीं से क्लाइटेलम की शुरुआत होती है, ठीक है। एसीना फिटिडा 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 20 से 60 प्रतिशत आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी की स्थिति में आसानी से रह सकता है। इस केचुए का जीवन चक्र 150 से 180 दिन का होता है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि 240 दिन का भी हो सकता है। केचुआ जन्म के 40 से 45 दिनों बाद प्रजनन करना आरंभ कर देता है। केचुआ एक बार ही संसर्ग करने के पश्चात प्रत्येक 2 से 3 दिन के बीच एक अंडा देता है, ठीक है, 2 से 3 दिन के बीच एक अंडा देता है, और यह प्रक्रिया 4 से 6 सप्ताह तक निरंतर चलती रहती है। एक केचुए के अंडे से, देखिए एक केचुए के अंडे से 3 से 5 तक छोटे बच्चे निकलते हैं, लेकिन इनका जिंदा रहने का प्रतिशत बहुत कम होता है। एसीना फिटेडुआ के केचुए के अंडे ये एक कोकून का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन, हम कैसे वर्मी कंपोस्ट को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी 3 विधियाँ होती हैं, पहली एक घरेलू विधि होती है, दूसरी पिट विधि है, तीसरी है सरफेस बेड विधि। अब देखते हैं घरेलू विधि के बारे में, पहली है घरेलू विधि, ठीक है। ये बहुत छोटे स्तर पर होती है, इसमें 10 से 20 किलोग्राम, ठीक है, प्रति माह वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन बहुत थोड़ी सी जगह में किया जाता है। इसके लिए हम क्या कह लेते हैं, कच्ची या पक्की किसी प्रकार की जमीन पर प्लास्टिक के क्रेट, लकड़ी के डिब्बे, सीमेंट के पुराने कट्टे, प्लास्टिक के टब, ऊपर से खुली मिट्टी के बड़े बर्तन इत्यादि में वर्मी कंपोस्ट बनाई जा सकती है, ठीक है। उपयुक्त पात्र के अलावा बजरी, सूखा एवं गीला कचरा, वर्मी कास्टिंग के केचुए, पानी छिड़कने के लिए छोटा झारा तथा ढकने के लिए टाट के कपड़े, कास्टिंग मटेरियल को उलटने पलटने के लिए पंजे की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखते हैं घरेलू स्तर पर कैसे हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। देखिए
घरेलू स्तर पे वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्या करना होता है? किसी भी पात्र को नीचे की तरफ बजरी डालकर उस पर सूखा कचरा बिछाया जाता है, उसके ऊपर केंचुओं सहित डिकम्पोज किया हुआ सामान डाला जाता है, फिर उसे गीले कचरे से ढक देना चाहिए। फिर उसके ऊपर हम टाट का कपड़ा डालते हैं ताकि वह उचित नमी बनाए रखे, ठीक है। फिर उचित नमी बनाने के लिए हम पानी का समय समय पर छिड़काव करते हैं। फिर आगे देखिए, प्रतिमा 20 किलोग्राम तक खाद उत्पादन के लिए शुरू में करीब 500 से 1000 केंचुओं की जरूरत होती है, ठीक है। अगर हमको 20 किलोग्राम खाद बनानी है घरेलू विधि में, तो उसके लिए हमको 500 से 1000 केंचुओं की जरूरत होती है, की जरूरत होती है, ठीक है। कुछ ही समय में केचुए पात्र में उपलब्ध कचरे को खाकर वर्मी कास्टिंग बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इसी पात्र में चाहे तो और कचरा डाला जा सकता है। एक बैच के रूप में पहले डाले गए कचरे को खाद बनाने के लिए दोबारा पात्र को भरा जाना चाहिए। कचरे डालते समय यह ध्यान रखा जाए उसमें किसी भी प्रकार के विषैले पदार्थ अथवा तत्व ना, ठीक है। ये देखिए डायग्राम, घरेलू विधि द्वारा खाली पात्र लिया, पात्र को यहां से बीच से काटा, बाकी पूरा कवर्ड है। सबसे पहले इसमें हमने डाले बजरी, फिर हमने डाला कचरा, फिर परत दर परत हम इस पे कचरा डालते चले जाएंगे। साथ के साथ क्या डालेंगे हम इसमें? केचुए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो गया? परत दर परत कचरा हो गया, प्लस क्या हो गए? केचुए हो गए। अब ये पूरा भरा हुआ पात्र हो गया, ठीक है। आगे देखो, पात्र उलटते समय क्या होगा इसमें? जब केचुए सबसे ऊपर डाले गए हैं तो जब पात्र को पलटेंगे तो केचुए ऊपर थे, ऊपर से सबसे नीचे आ जाएंगे, केचुए नीचे की तरफ। घरेलू विधि द्वारा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिट विधि की, ठीक है। अब देखिए पिट विधि में क्या होता है, ठीक है। पिट विधि द्वारा खाद बनाने के लिए हम किसी भी प्रकार का कंटेनर, गड्ढा, लकड़ी की प्लेटरी या प्लास्टिक क्रेट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। गड्ढे या पिट की गहराई कितनी? 1 मीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। पिट की गहराई 1 मीटर से कम होनी चाहिए। जब हम लकड़ी या प्लास्टिक का पेटी का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसे ये है, इसमें हम नीचे छेद बना देते हैं, ठीक है। 8 से 10 छेद, 8 से 10 छेद। ये छेद क्यों करे जाते हैं? ताकि जब हम इसमें पानी डालें, ठीक है, जब हम इसमें जल डालें तो इससे पानी का निकास आसानी से हो सके, ठीक है। जब हम ये बनाते हैं तो इसकी गहराई कितनी होती है? 1 मीटर की, ठीक है, और उससे भी कम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? अब 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर गहरा, 1 मीटर गहरा हो गया, ठीक है, 2 मीटर लंबा हो गया, ठीक है, और चौड़ाई इसकी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ा, ठीक है, छायादार स्थान पर बनाया जाता है। ये गड्ढा तैयार होने के पश्चात गड्ढे की सबसे निचली सतह पर 3.5 सेंटीमीटर ईट या 3 से 3.5 सेंटीमीटर सबसे नीचे जो हम बिछाएंगे वो हम ईट या पत्थर की गिट्टी बिछाई जाती है। बालू की परत उसके बाद 15 सेंटीमीटर अच्छी दोमट मिट्टी की परत बनाई जाए। जो बालू की परत के ऊपर मोरंग या बालू बिछाएंगे उसके ऊपर हम 15 सेंटीमीटर तक अच्छी दोमट मिट्टी की परत बनाते हैं। इस मिट्टी को पानी छिड़क कर नम किया
जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन कौन से केचुए होते हैं जो हमें वर्मी कंपोस्ट बनाने में मदद करते हैं, एक तो एपिजेइक और एनेसिक। एंडोजोइक केचुए सिर्फ मिट्टी को पोली बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद इस गड्ढे में 50 से 75 एपिजेइक व एंडो एनेसिक केचुए बराबर संख्या में डाले जाते हैं। नम मिट्टी के ऊपर गोबर के ढेर बनाकर रख दिए जाते हैं। गोबर की परत के ऊपर 5 से 10 सेंटीमीटर पुआल या सूखी पत्तियां डाल दी जाती हैं। इस इकाई में 20 से 25 दिन तक बराबर पानी का छिड़काव किया जाता है। 25 दिन बाद से प्रति सप्ताह 2 बार 5 से 10 सेंटीमीटर कचरे की तह बनाई जाती है तथा गोबर का ढेर बनाकर रख दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक कि गड्ढा भर ना जाए। इसे हफ्ते में 1 बार अवश्य पलटना श्रेयस्कर माना रहता है। इससे रोज पानी छिड़कना रहना ठीक नहीं रहता तथा गड्ढा भर जाने पर कचरा बंद कर दिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में लगभग 40 से 45 दिन का समय लगता है। वर्मी कंपोस्ट जब तैयार हो जाता है तो 2 से 3 दिन तक पानी का छिड़काव बंद कर देते हैं। इसके बाद तैयार तो उसके बाद तैयार वर्मी कंपोस्ट या खाद को निकाल कर छाया में ढेर लगाकर हल्का सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद इसे 2 मिलीमीटर छन्ने से छान लेते हैं। इस प्रकार जैविक खाद में 20 से 30% नमी होना आवश्यक होता है। छनी हुई खाद का हम क्या करते हैं, हम इसको प्लास्टिक के थैले अथवा कंटेनर में आवश्यकता अनुसार भर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं सरफेस बेड विधि की, ठीक है। इस विधि में जमीन के नीचे गड्ढा ना खोदकर जमीन की सतह पर ही ढेर लगाकर वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं। सरफेस बेड विधि से हम क्या समझते हैं, ये हम काम गड्ढा नहीं बनाएंगे, हम सीधे सरफेस पे ही इसका काम करेंगे, ठीक है। इस विधि में जमीन के नीचे गड्ढा ना खोदकर जमीन की सतह पर ही ढेर लगाकर वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है। इसके लिए जमीन के ऊपर अर्ध गोलाकार आकृति की बेड बनाई जाती है। इसमें उचित नमी, तापमान एवं वायु का प्रवाह रखा जाता है। इस प्रकार निर्माणित बेड को सूखे कचरे या वनस्पतिक अवशेषों से ढका जाता है। इसमें विभिन्न परत पिट विधि के अनुसार ही होती है तथा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए भी लगभग उतना ही समय लगता है। इस पद्धति पर आधारित 3 फुट चौड़ी एवं 10 फुट लंबी 40 बेड लगाने से ही प्रतिदिन 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट उत्पादन संभव है। अगर हम सरफेस बेड विधि का उपयोग करेंगे तो अगर हम 3 फुट चौड़ी 10 फुट लंबी और इसके हम 40 बेड लगाते हैं तो हमको 500 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट उत्पादन संभव है। अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के गुण की। देखिए यह वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट एक तरह का पोषक पदार्थों युक्त प्राकृतिक खाद है, ठीक है। ये मृदा यानी सॉइल के लिए 3 तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला देखिए, ये मृदा की भौतिक संरचना का अध्ययन करता है। ये मृदा के जैविक गुणों को बढ़ाता है। ये खाद सूक्ष्म जीवों, वृद्धि हार्मोन, ठीक है, जो कि ऑक्सिन और जिब्रलिन, वृद्धि हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन एवं जिब्रलिन, एवं एंजाइम जैसे फॉस्फेट, सेलुलेज आदि से भरपूर होता है। ये खाद मृदा में उपस्थित
ये खाद मृदा में उपस्थित गहरी सुरंगों में वास करने वाले केचुओं को आकर्षित करती है, जो मृदा की ऊपरी सतह को छिद्रित कर उर्वरा को बढ़ाते हैं। ये मृदा जल धारित क्षमता को भी बढ़ाती है। तो ये सारे वर्मी कंपोस्ट के गुण हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे रेशम कीट पालन की। ठीक है, सिल्क का उत्पादन कैसे होता, और इस विधि को बोलते हैं सेरीकल्चर। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास।